उस्ताद बहुत डर लग रहा है। पप्पू एक तू टेंशन ना ले, तू टेंशन लेता है ना तो मेरा भी टेंशन बढ़ जाता है यार। प्रेशर डाउन रख अपना। उस्ताद अपन जा कहाँ रहे हैं? पप्पू देख जुबान को लगाम दे और चुपचाप बैठे रहे, सही पहुंचेंगे हम। क्या किया तूने? पी के गाड़ी चला रहा क्या सुबह सुबह में? अंधा है क्या? दिखा नहीं अंदर बैठ के क्या देख रहा है मुझे? बाहर निकल, निकल। इधर क्या किया तूने? क्या किया सर? सॉरी सर, गलती हो गई। इतना बड़ा गाड़ी देखा नहीं तूने? अरे ठोक दिया। मैं ठीक करा दूंगा सर, हमारा खुद का गैराज है सर। नहीं पप्पू सर, मैं एकदम A1 करा दूंगा सर। ये नया तरीका ढूंढा है धंधा करने का। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छा से जानता हूँ। अभी रुको, पुलिस को बुलाता सर। पुलिस को चुप चुप करना यार। अरे वैसे भी तुम लोग टोइंग वाले को ना बहुत ज्यादा नाटक हो गए। सर मेरी बात तो सुनो सर। और तू देख क्या रहा है? जाके गाड़ी साइड लगा यार। अरे सर, अरे क्या रुकूं मैं? ऐसा करते हैं ना, साइड में बात कर ले। क्या साइड में हूं मैं? सर मैं बोल रहा हूं ना, A1 करके दूंगा सर, नंबर 1। बोलो अभी क्या बात कर रही है? सर मैं आपको जुबान देता हूँ सर, आप मेरे गैराज आ जाओ, मेरा लड़का एकदम नंबर 1 करके देगा आपको गाड़ी। आप मेरा एड्रेस लो, मुझे पानी की बिल्कुल चिंता नहीं। एड्रेस दो। लिखो सर, लिखो लिखो। हाँ। एड्रेस लिखो, लिखो। हाँ। लिखो। हाँ जी जी जी। ओए ओए रुक रुक, भगा गाड़ी, भगा। अरे गाड़ी भी छोड़ के गए? किसकी गाड़ी है रे? बीच रोड पे लगा के गया है। किसकी गाड़ी है ये? कहाँ है इसका ड्राइवर? टोइंग वाला इसे छोड़ के भाग गया। मेरी गाड़ी को उसने ठोका, वो तो अच्छा हुआ मैंने उसका फोटो ले लिया है। क्या यार, अभी गाड़ी कैसे निकालूंगा मैं इधर से? ऑफिस जाने के लिए अभी लेट हो रहा है मुझे। अरे इस गाड़ी में तो लाश है। लाश? अगर जरूरत पड़े तो हम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से बुलाएंगे। ठीक है। क्या पता चला? सर क्राउड की स्टेटमेंट्स ले ली। ट्रक पे जिपजैक टोइंग और रिकवरी लिखा हुआ था। ये ट्रक के नंबर प्लेट का फोटो। सर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इंजन खराब तो है इसका। सर क्राउड से किसी ने उस टोइंग ड्राइवर को बोलते हुए सुना था कि उसका अपना खुद का गैरेज, वो गाड़ी गैराज ले जा रहा है। बॉडी चेक किया? हाँ सर। सर सिर पे एक ये गहरी चोट है, लगता है किसी ने वजनदार चीज जोर से दे मारी है, एक ही झटके में खत्म। और कहीं फिलहाल तो कोई चोट नजर नहीं आ रही। बॉडी अभी तक सड़ी नहीं है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं हुए इसकी मौत हुए। कोई आईडी वगैरह? नहीं सर, कोई आईडी नहीं है। तो ये कोई फॉरेनर ही है? सर आप कहें तो फॉरेन एम्बेसीज में इसकी फोटो भेज देते, शायद कोई आइडेंटिफिकेशन मिल जाए। इसमें बहुत टाइम लगेगा पूर्वी। एक काम करते हैं, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवाते हैं और वो टोइंग वैन वाला और इस गाड़ी का जो ओनर है उसका पता लगाते हैं। जो गाड़ी वो टोइंग वाले छोड़ के भागे थे उस गाड़ी के मालिक का पता चल गया, कोई हिरन नाम का आदमी है। बात हुई उससे? हाँ सर, बोल रहा था कि उसकी गाड़ी कल रात और आज सुबह के बीच चोरी हो गई थी। उसने आज सुबह लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई है, अब मैंने चेक कर लिया। जब गाड़ी वहाँ मिली तब वो कहाँ पर था? ऑफिस में। सर मैंने आई विटनेस से बात कर ली है, शायद वो सच बोल रहा होगा। और वो टोइंग ट्रक वाला, उसके बारे में क्या पता चला? अरे सर उसका लाइसेंस नंबर और नाम दोनों नकली है। जिप जैप नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। शायद उसने किसी और नाम से रजिस्टर किया। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी टोइंग कंपनीज हैं उन सब की पूरी डिटेल्स निकलवाओ।
हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, मैं आप लोगों को फोन करने ही वाला था। वो क्यों? सर वो पिछले कुछ दिनों से सर हमारे यहाँ के सारे टोइंग वाले काफी परेशान है, काम आता है पर कस्टमर हाथ से निकल जाता है। क्या मतलब? मतलब सर जब कोई कस्टमर हमको गाड़ी पिकअप करने के लिए कॉल करता है हम वहाँ पर चले जाते हैं, पर सर वहाँ पर जाकर पता चलता है कि गाड़ी तो पहले से ही कोई दूसरे टोइंग वाले आकर लेकर चले गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सर वो तो पता नहीं सर, पर ये लोग गाड़ी तो ले जाते पर डिलीवरी नहीं करते, गाड़ी लेकर भाग जाते सर। इसकी मौत 18 से 24 घंटे के बीच हुई है, बॉडी अभी तक अकड़ी नहीं है। इस बात का अंदाजा तो दया ने लगा ही लिया था, कुछ और पता चला हो तो बताइए। भाई साहब एक तो किस्मत बहुत अच्छी है तुम्हारी कि तुम्हारे साथ डॉक्टर सालूक है, और दूसरा ये देखो। ये क्या? ये इसके हाथ पे से मिला है फिंगरप्रिंट। इसके? ए ऑब्वियसली जिसने पकड़ा होगा उसके होंगे नहीं आप? मतलब फिंगरप्रिंट्स अभी भी बिल्कुल फ्रेश हैं, मिटे नहीं है। सर ये बहुत अच्छी लीड दे दी आपने। दे दी ना, एक काम करो इस लीड को लेकर के जाओ और पता करो ये फिंगरप्रिंट्स आखिर हैं किसके, तब तक मैं इसकी ऑटोप्सी कर लेता हूँ। सर मैं ये फिंगरप्रिंट्स अपने क्रिमिनल डेटाबेस में मैच करके देखती हूँ। सर आप उर्वी? सर फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया मुकुंद, हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में था। अरे तो वही कार थीफ है मुकुंद, गाड़ियां चुराने वाला, काफी बार जेल भी जा चुका है इसके लिए। यही है सर। सर वहां पे जो क्राउड था उनमें से कुछ लोगों ने टोइंग वालों को करीब से देखा था सर, और उनकी मदद से ये दो स्केचेस बनवाए मैंने। तो मुकुंद है? बिल्कुल, अपना प्रमोशन कर लिया इसने, चोर से सीधा मर्डरर। अभिजीत हो ना हो, इस मुकुंद ने ही इस औरत को मारकर उसकी बॉडी को किसी बंद गाड़ी के डिक्की में रखा, और सर वही उस कार को टो करके ले जा रहा था। सर पूछताछ किया तो पता चला कि जिपजैप टोइंग जैसे नकली टोइंग कंपनीज पिछले कुछ दिनों में टोइंग के नाम पे गाड़ियों की चोरी कर रही है सर, और हो ना हो ये मुकुंद इस सब में शामिल है। लेकिन सर हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसके खिलाफ। एग्जैक्टली सर, अब हम इसे पकड़ेंगे कैसे? रंगे हाथों। जूम टोइंग सर्विस जी, मेरी गाड़ी पीवी रोड के टर्न पे बंद पड़ गई, अब अपना टोइंग ट्रक भेज देंगे। ओके जल्दी आइए प्लीज। हाँ अभी आज इतना बड़ा कांड किया इस मुकुंद ने, इतनी जल्दी दोबारा आएगा क्यों नहीं? वही तो, पता चलेगा कि वो कहीं पे बैठ के आराम कर रहा है और हम लोग यहाँ धूप में बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। रिलैक्स रेडी, वो आएगा जरूर, लालच इंसान को आराम करने नहीं देती। अब देखना यह है कि पूर्वी की गाड़ी को टो करने के लिए आता कौन है, जूम टोइंग सर्विस या मुकुंद। ये तो जूम वाला ही आ गया। एक्चुअली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो जीएम टोइंग सर्विस, मैंने जीएम टोइंग सर्विस में फोन किया था, ये तो स्पीड है। मैडम वो भी अपनी है, ये भी अपनी ही है। जी हाँ मैडम, मैडम एड्रेस लिख दीजिए जहाँ गाड़ी डिलीवर करना है। तू एड्रेस लिखवा ले, मैं गाड़ी लगाता हूँ। ठीक है। पूर्वी ने कॉल किया था जीएम टोइंग सर्विस को और आया ये
स्पीड टोइंग ट्रक। ये मुकुंद दिख नहीं रहा है। मैडम आप ऑटो से फॉलो कीजिए, हम लोग गाड़ी लेके आगे चलते हैं। ऑटो गाड़ी क्यों बंद हो गई? कितना टाइम लगेगा? पता नहीं मैडम, मैं इंजन चेक करके बताता हूँ। अब मैडम वो गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको दूसरा ऑटो करवा दूँ? दूसरा ऑटो क्यों, मैं तुम्हें सरकारी गाड़ी में लेके चलती हूँ। अरे मैडम मैंने क्या किया? चल मैडम। ले आया उस्ताद। अरे वाह मास्टर, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, गाड़ी लाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे अपन के होते हुए दिक्कत क्या हो सकती है उस्ताद। हाँ बड़ा हाईफाई लड़की थी, जबरदस्त। अच्छा अपना वक्त पे आ गया ऑटो वाला भी, वो लेकर निकल गया, अपन भी क्लियर आ गए, है ना? और नहीं तो क्या भाई। आप कौन? मैडम ने यहाँ का एड्रेस दिया था। एड्रेस? आप लोग कौन है? CID। चलो अब तुम सबको तुम्हारी असली जगह पे ले जाते हैं, चल। मुकुंद बताओ क्या हुआ? चोरी कर करके बोर हो गया था तो फोन करना शुरू कर दिया है? बहुत खेल लिया पकड़ा पकड़ी, अब ये बता कि वो लड़की कौन थी और तूने उसको क्यों मारा? सर मैंने उसको नहीं मारा। सर मैं मानता हूं मैं चोर हूं, लेकिन मैं किसी का खून नहीं करूंगा। चुप! झूठ बोलता है। तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए उसके बॉडी पर? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसका खून नहीं किया। सर जब वो लड़की मुझे मिली वो तो पहले से ही मरी हुई थी। क्या कहा? पहले से ही मरी हुई थी? हाँ सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा तो कार चोरी का छोटा सा बिजनेस है बस। हाँ छोटा सा बिजनेस है, उसका हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। मेरा मतलब है आसपास जितने भी टोइंग वाले हैं ना, मैंने उनका फोन नंबर टैप कर रखा है और जैसे ही उनको किसी भी कस्टमर का फोन आता है ना मुझे पता चल जाता है। इससे पहले कि वो लोग वहां पहुंचते तुम अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते थे और कस्टमर्स की गाड़ी गायब। ये बता वो लड़की कहां से मिली तुम्हें, कैसे मिली? आज सुबह टोइंग वालों को एक फोन आया, मुझे मालूम पड़ा तो बस मैं अपने आदमी को लेकर पहुंच गया लोकेशन पर। अच्छा हुआ आप आ गए। आपने ही फोन किया था? जी मैंने फोन किया था आपको। ये तो मना कर रहे थे जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों जरूरत नहीं है, अब गाड़ी बंद पड़ गया है तो क्या सर पे उठा कर लेके जाएंगे? भाई साहब बेचारे का गाड़ी रोड पे रुक गया है, हमने तो बहुत ट्राई किया धक्का मार के स्टार्ट करने की लेकिन स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप बात कर लीजिए टो करके कहाँ छोड़ना है। साहब गाड़ी का डिलीवरी करानी है, आप अपना एड्रेस लिख दो हम लोग छुड़वा देंगे। सर बड़ा ही कोई अजीब सा एक एड्रेस उसने लिख कर दिया था, शहर से दूर कहीं कोने में। मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे लगा मुझे वैसे भी कौन सी वहां गाड़ी लेकर जानी है। रिक्शा सर हम लोग आपकी गाड़ी लेकर आगे चलते हैं, आप ऑटो में बैठ के पीछे से आओ। रिक्शा वाला हमारा ही आदमी था, उसको मालूम था क्या करना है, कस्टमर को रिक्शा में लेके बैठने था और किसी सुनसान जगह पर जाकर पहुंचा देना है और रिक्शा रोक देना है।
अगर कुछ पूछे तो बोलने का है कि रिक्शा में कोई प्रॉब्लम है और जब तक हम गाड़ी लेकर दूर ना पहुंच जाएं, तब तक रिक्शा स्टार्ट नहीं करना ताकि कस्टमर हमें पकड़ ना पाए। और फिर जैसे ही हम गैरेज पहुंचे क्या बात है उस्ताद, क्या जबरदस्त माल लेकर आयो। गाड़ी तो मास्टर मक्खन है, गाड़ी के इंजन पंजर करो अलग, किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाई। उस्ताद जी कौन है? अबे क्या हुआ पप्पू? वे ये तो मरी हुई लड़की है, डेड बॉडी है उस्ताद। तेरी ये लड़की इस गाड़ी में कहाँ से आ गई? वाह रे वाह, उस आदमी का हुलिया जानते हो, गाड़ी वाले का? सर उसका स्केच बनाओ हमारे लिए। सर ये है वो आदमी जिसका स्केच मुकुंद ने बनवाया था, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा सर। ऐसा लगता है कि ये अपने हुलिये के पीछे कुछ और ही है, इसकी दाढ़ी नकली लग रही है सर। मुकुंद टोइंग कंपनी से मिला मुकुंद और ये उसका पार्टनर पप्पू, और मुकुंद से मिला ये दाढ़ी वाला जो गाड़ी चला रहा था। और ये बेचारी लड़की कौन है, ये कौन है? मैं बताता हूं बॉस, ये लड़की कौन है। कौन? इसका नाम है एना पावलो, और इस लड़की के बारे में बहुत ही खास जानकारी मिली है। हाँ। ये बॉस, ये इस लड़की के पैरों का एक्सरे है, और इसकी उंगलियों को जरा गौर से देखो। नो ऑफेंस सर, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है? एग्जैक्टली, इसकी टोज डिफॉर्म्ड है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे बनियंस कहते हैं। और ये बनियंस होते क्यों हैं? दया, बहुत ही टाइट नुकीले जूते पहनने की वजह से, ऐसे जूते जिसमें उंगलियों को जरा भी जगह नहीं मिलती, और उंगलियां एक दूसरे पर चढ़कर सिकुड़ जाती हैं, दब जाती हैं। पैरों का अंगूठा बाकी उंगलियों को दबा देता है, जिसकी वजह से अंगूठे का जॉइंट यानी मेटाटार्सल फेरानियल जॉइंट इस तरह से टेढ़ा हो जाता है। ऐसी क्या मजबूरी है सर कि ये शूज पहनना कंपलसरी है? प्रोफेशनल मजबूरी, अपने काम की मजबूरी की वजह से। जैसे एक बैले डांसर, बैले डांसर्स को ऐसे ही जूते पहनने पड़ते हैं, उन्हें अपनी टोज पर ही डांस करना होता है। बैले डांसर, अंगूठे पे हद से ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ऐसा होता है? एग्जैक्टली दया, और एक बैले डांसर को कम से कम 5-6 घंटे तो ऐसे जूते पहनने ही पड़ते हैं, इसीलिए बैले डांसर्स में ये बनियन काफी कॉमन होता है। शायद ये है ना भी बैले डांसर थी। और डॉक्टर में और क्या मिला? सीक इम्प्लांट्स। अब ये नया क्या है? कॉस्मेटिक सर्जरी का एक हिस्सा होता है, ज्यादातर सेलिब्रिटीज इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को अपने किसी बॉडी पार्ट को एनहांस करना होता है, थोड़ा बड़ा या प्रोमिनेंट दिखाना होता है अच्छा दिखने के लिए, तो वो उस हिस्से में ऐसा इम्प्लांट डालते हैं, कुछ भी, जैसे चीक्स, चिन, हिप्स, कोई भी पार्ट। मतलब उसने अपने गालों में इम्प्लांट किया था? हाँ ब्रेडी, और इसी इम्प्लांट की वजह से मुझे इस लड़की की जानकारी मिली। बॉस, हर इम्प्लांट में एक खास सीरियल नंबर होता है, और जब मैंने इस लड़की के इम्प्लांट का सीरियल नंबर पता किया और जानकारी की, तो इसका नंबर जाकर के मिला रशिया में, मॉस्को में। वहां पर एक प्लास्टिक सर्जन कुदेसोव से इसने अपना इम्प्लांट करवाया था। उन्होंने मुझे कुछ और भी जानकारी दी। ये देखिए सर, ये इमेज है चीक इम्प्लांट के पहले का, और ये वाला इम्प्लांट के बाद का। अब बस एक खास बात, हर पेशेंट को अपने इम्प्लांट के लिए कम से कम साल में एक बार अपने प्लास्टिक सर्जन से जरूर मिलना पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि ये लड़की है ना, अपने सर्जन से पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं मिली। अच्छा अभिजीत, अगर ये है ना पिछले 5 सालों से अपने डॉक्टर से मिली ही नहीं रशिया में, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है ना, इंडिया में ही थी। और अगर है ना पिछले 5 सालों से इंडिया में थी, तो फिर वो जरूर किसी ना किसी वीजा पर यहाँ आई थी। अभिजीत, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन में से जाकर पता लगा कि ऐना कौन से वीजा पर यहाँ आई थी, स्टूडेंट वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे, डिप्लोमेटिक वीजा पे, या और कौन से वीजा पे। और ये भी पता लगा कि क्या उसने रेसिडेंसी के लिए रिक्वेस्ट भी किया था क्या।
है ना? सर। हाँ पूर्वी। सर मैंने आना पावलो के नाम से इंटरनेट सर्च किया तो भर के आर्टिकल्स आ गए। मोस्टली सारे आर्टिकल्स 4-5 साल पुराने। आर्टिकल्स? क्या लिखा क्या है आर्टिकल में? सर लिखा है कि एना मॉस्को की फेमस बैले डांसर थी जिसकी मौत अपनी ही गाड़ी में आग लगने से हो गई। क्या? सर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ घूम रही थी। नहीं अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। गड़बड़ है। सर पुलिस को एना की जली हुई गाड़ी से उसके बोन्स मिले और पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट किया था मर्डर चार्जेस पे। एना को उसके बॉयफ्रेंड ने मारा था? हाँ सर, उसका बॉयफ्रेंड रशियन माफिया से मिला हुआ था। पुलिस काफी सालों से उसके पीछे पड़ी थी लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन इस केस में उन्हें सबूत भी मिल गया। सर एना की गाड़ी में आग लगना, उसका एक्सीडेंट होना उसके बॉयफ्रेंड का प्लान था। पुलिस ने उसे उसकी पूरी गैंग के साथ अरेस्ट किया। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, एना की लाश तो हमारे पास है यहाँ पे। सर एक इंसान दो बार कैसे मर सकता है? वही तो दो बार कैसे मर सकता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये 5 साल पहले जो एना की मौत हुई है ना, यहीं पर गड़बड़ है। बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। इस रशियन कॉन्सुलेट से पता लगाना पड़ेगा कि एना इंडिया आई कब और कैसे। एना पावलोव का बॉयफ्रेंड रशियन माफिया से मिला हुआ था। एना ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दिए थे। एना की जान को खतरा था इसलिए पुलिस ने एना के मर्डर का झूठी खबर मीडिया में फैला दी और उसको रशिया से बाहर भेज दिया एक नई पहचान और नए नाम के साथ, नटालिया। तो एना यहाँ पे नटालिया बन के रह रही थी। नटालिया इंडिया 5 साल पहले आई थी और वो यहाँ फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का काम कर रही है, सॉरी कर रही थी। मैं जितना जानता हूँ उतना आपको बता चुका हूँ। थैंक यू। इस नटाले का एड्रेस होगा आपके पास? हाँ पंकज, क्या पता चला नटालिया के एड्रेस पे? सर नटालिया तो उस घर से 2 साल पहले ही निकल गई थी, कहीं दूसरी जगह जाके रह रही थी। 2 साल पहले ही निकल गई वहाँ से? किस एड्रेस पे? सर उसने दूसरा एड्रेस तो किसी को भी नहीं दिया। अरे यार, अब वो जहाँ पे काम करती थी उसके बारे में कुछ पता चला? सर हर फॉरेन आर्टिस्ट का एक एजेंट होता है। एना का एजेंट मुरली कुमार था सर। रशिया और यूक्रेन से जितने भी बैकग्राउंड डांसर्स इंडिया आते हैं वो मोस्टली मुरली लेकर आता है। अरे ठीक है यार, उसका एड्रेस मिला क्या ये बताओ। हाँ सर, उसके ऑफिस का एड्रेस अभी आपको भेजता हूँ। हाँ वो एड्रेस फटाफट भेजो। ओके। व्हाट? ओ गॉड, कब हुआ ये? करीब 24 घंटे पहले। दिस इज शॉकिंग। लेकिन नटालिया को क्यों मारेगा कोई? She was such a nice girl. मेरे साथ 5 साल से काम कर रही है वो। She is one of my best dancers. आपसे उसने कभी कोई बात की थी अपनी किसी परेशानी के बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से काफी परेशान दिख रही थी वो। मेरे कुछ डांसर्स अभी हैदराबाद गए शूट के लिए और नटालिया ने उस शूट से जाने से भी इनकार कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि नॉर्मली नटालिया काम से ना नहीं करती। इतने सालों से नटालिया यहाँ पे थी तो किसी से तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करती होगी, कोई करीबी, कोई दोस्त। उसकी रूममेट सोफिया, काफी अच्छे दोस्त हैं वो, शायद उसे कुछ पता होगा। आपने और कुछ नोटिस किया पिछले कुछ दिनों में? कुछ दिन पहले मुझे गोवा से एक फोन आया था एक आदमी का, काफी हेवी रशियन एक्सेंट था उसका, नटालिया के लिए पूछ रहा था और यही बात बताने के लिए मैंने नटालिया को फोन भी किया लेकिन उसका फोन लगा नहीं। कौन था आदमी, कुछ मालूम है उसके बारे में? क्या नाम था उसका? अलेक्जेंडर। यस अलेक्जेंडर। उसने कभी पहले भी बात की थी आपसे? नो। इस नटालिया का एड्रेस ले लो जरा। नटालिया का एड्रेस देंगे? श्योर। पंकज जरा रशियन एम्बेसी से पता करो कोई अलेक्जेंडर नाम का आदमी इंडिया आया है क्या। कहाँ रहता है, कब आया, उसकी पूरी डिटेल्स निकालो। सही। इतने सारे न्यूज़पेपर, तो काफी दिनों से कोई घर पे था नहीं। सर 5 पेपर्स है। 5 दिन तो मरने से 4-5 दिन पहले ये नटालिया घर में थी नहीं, कहाँ थी?
सर हो सकता है वो अलेक्जेंडर और उसके रशियन बॉयफ्रेंड के डर से कहीं जाकर छुप गई हो। देखते हैं। सारी चीज अपनी जगह पे है, कहीं कुछ हाथापाई के निशान दिख नहीं रहे। ऐसा लगता नहीं है कि नतालिया का खून यहां पे हुआ है। काम डाउन काम डाउन। मैम बी फ्रॉम CID। आर यू सोफिया? यस। नतालिया से आखिरी बार आप कब मिले थे? 5 दिन पहले। मैं हैदराबाद जा रही थी फॉर शूटिंग। और ये नतालिया नहीं गई, राइट? यस। आई डोंट नो व्हाई शी वाज वेरी अपसेट। मैं शायद बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम्स। मैं उसका मूड बनाने के लिए उसके लिए बोश भी खूब किया। बोश क्या है ये? व्हाट इज दिस? ईस्ट यूरोपियन डिश। It's very famous in Russia. Like soup, we put in this carrot, beetroot, potato, spinach. Very tasty. Natalia ka favorite tha. Bichare ladki. Aur Russia mein bhi khush nahi thi aur India mein bhi unhappy. Aapko uski past life ke bare mein kuch pata hai? Thoda thoda. Wo bahut nahi bolti thi apne bare. I think कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसको भी नहीं पता होगा। बॉयफ्रेंड? ये बॉयफ्रेंड कौन है, कुछ आइडिया है आपका? यस, लक्ष्य, बिग मैन। बट नतालिया बहुत अपसेट होती थी उसके साथ हमेशा। क्यों? वो दोनों लड़ाई, फाइटिंग, ऑलवेज। नतालिया लक्ष्य को बोलती थी डिवोर्स लेने के लिए और लक्ष्य हमेशा बोलता था हाँ हाँ, बट हमेशा झूठ ही बोलता था। ये आपके सामने ये लोग लड़ते थे? कभी लड़ते हुए देखा इनको? नो, बट नतालिया और लक्ष्य की वाइफ को देखा था। ये हैदराबाद जाने से पहले वन डे बिफोर हम शूटिंग पे थे और लक्ष्य की वाइफ आई थी और सेट पे नतालिया को बहुत गाली दी, बहुत शाउटिंग एंड बिग फाइट, वेरी बैड। आई सी। ये लक्ष्य का एड्रेस है आपके पास? नतालिया के साथ अफेयर को कितना टाइम हो गया? सर करीब 1 साल हो गया और सर हम दोनों डिवोर्स भी ले रहे हैं। सर रिसेंटली मैंने एक दूसरा बंगला भी खरीदा है। हाँ, देखती हूँ कितने दिन रह पाता उस 2% की डांसर के साथ। 6 दिन पहले आपका नतालिया से कुछ झगड़ा हुआ था? जी हुआ था और उस टाइम मुझे बुरा भी लग रहा था कि मुझे उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मैंने अच्छा नहीं किया लेकिन मैंने बहुत अच्छा करा उसकी बेइज्जती करके। जो औरत मेरी जिंदगी बर्बाद करेगी मैं उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगी क्या? तुम्हें आता क्या है दूसरों की लाइफ बर्बाद करने के सिवा? एक मिनट। कल रात नतालिया का खून हो गया, समझे? आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? सर उस दिन झगड़े के बाद वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। सर कल रात कहाँ थे तुम? सर मैं अपने नए बंगले पे था। कोई साथ में था? कोई आई विटनेस? नहीं सर, मैं अकेला था। मैं भी घर पे ही थी अकेले। हाँ पंकज, अलेक्जेंडर मुंबई आ रहा है, कितने बजे?
जाओ। बट है ना, कैसे और कब? 24 घंटे पहले। एना का कोई रशियन बॉयफ्रेंड था, कुछ जानते हैं उसके बारे में आप? यस, एना का केस मैं ही हैंडल कर रहा था। एना को नटालिया नाम मैंने ही दिया था, उसकी सेफ्टी के लिए कंटिन्यूस उसके साथ था। आई सी, आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। एना, एना पाउलो, 6 दिन पहले लक्ष्य की बीवी के साथ उसका झगड़ा हुआ। 5 दिन पहले उसने सोफिया के साथ कुछ खाना खाया और शाम को अलेक्जेंडर से मिली, और फिर 1 दिन पहले उसकी मौत हो गई। अब पता लगाना ये है कि बीच की जो 5 दिन है, वो 5 दिनों में वो कहाँ थी? ना उसे किसी ने देखा, ना वो किससे मिली। सर, शायद खूनी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। एना के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर। सर, 5 दिन पहले ना एना ने किसी को कॉल किया, ना उसे किसी का कॉल आया। आखिरी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हुई। सर, 5 दिन पहले की लोकेशन उसके घर के पास के टावर की। ये कैसे हो सकता? किसी से तो मिली होगी, किसी से तो बात की होगी। खाना वाना तो खाया होगा, उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट में से पता चलेगा आखिरी बार कब खाना खाया था उसने। सर, एना के इंटेस्टाइन्स में बीटरूट, स्पिनच, कैरेट्स और मीट के अनडाइजेस्टेड पीसेस है। वो तो 5 दिन पहले खाया था सोफिया के साथ। मतलब 5 दिन से एना ने खाना ही नहीं खाया? हाँ फ्रेडी, पिछले 5 दिन से एना ने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि 5 दिन पहले एना की मौत हो गई थी। आखिरी बार किस किस से बात की उसने फोन पर? सोफिया, मुरली और अलेक्जेंडर से। और आखिरी बार? सर, अलेक्जेंडर से। अलेक्जेंडर? क्या क्या बात हुई एना के साथ अलेक्जेंडर? या, मैं एना के घर मिला था। मैंने उसको बोला था कि तुम्हारी अब लाइफ डेंजर नहीं है, तुम रशिया वापस जा सकते हो। Really? Yes. Yeah. मैंने फिर से बोला उसको कि तुम मेरे साथ चलो रशिया। तो फिर एना ने तुम्हें फोन किया? या, किया था। उस टाइम मैं एयरपोर्ट पे था, मुझे गोवा जाना था। क्या बोला उसने? She was happy, something, कोई गिफ्ट है, I don't know, but कह रही थी कि मुझे वापस रशिया जाना है। कैसा गिफ्ट? I don't know. She said, can I call you, but she did not call me. सर, ये गिफ्ट ढूंढने पड़ेगी। हाँ अभिजीत, उस गिफ्ट से ही पता चलेगा कि एना के साथ आखिर हुआ क्या था। आपने कुछ अलग देखा? Like, did you see something different? No, मैं इस कमरे में नहीं आई थी, ये नतालिया का कमरा है। नतालिया को हाल ही में कोई गिफ्ट मिला है, उस गिफ्ट के बारे में कुछ आपको मालूम है? नहीं। अभिजीत, गिफ्ट बॉक्स तो है लेकिन खाली है, कुछ नहीं अंदर। इस गिफ्ट बॉक्स में क्या आया था? सर, आई हैव नो आइडिया। इस कमरे में कुछ ऐसा है जिसे देख के नतालिया को रशिया याद आया था, रशिया। हाँ, एक्चुअली उसकी कुछ फेवरेट मात्रोशका की सुवेनिर्स है रशिया से। ये नया लग रहा है, मैंने नहीं देखा पहले। ये नया है? ये चाबी के बारे में आपको जानते हैं? नहीं सर, ये घर का नहीं लगता है। स्टॉल में ये चाबी छुपा के रखी, इस चीज की चाबी हो सकती है। JMW, ये तो इंडियन कंपनी है। पंकज, ये जो सीरियल नंबर है ना, इससे इस JMW कंपनी से पता लगाओ किसको ये चाबी दी है उन लोगों ने।
सर, जेएमडब्ल्यू कंपनी ने बताया कि इस सीरियल नंबर वाले ताले चाबी का सेट जय हार्डवेयर को बेचा था और जय हार्डवेयर से पता चला है कि ये ऑर्डर इस बंगलो से आया था। जिसने ऑर्डर किया था उसकी डिटेल मिली? नहीं सर, यहाँ पे जो कारपेंटर काम कर रहा था उसने ऑर्डर किया था, बंगले का मालिक कौन है ये तो उसे भी नहीं पता। नया बंगलो लगता है। काफी प्यार से घर बनाया है, पूरा घर छान मारो, देखो क्या मिलता है। यहां पे कुछ स्टिकी है। सर, बाथरूम में कोई है, मालिक ही होगा। इंतजार करो उसका, वहीं पे रहो, बाहर भागने ना पाए वो। लिमिनल टेस्ट करते हैं। My God, यह तो काफी खून है, लगता है ना को यही मारा गया। सर, ये ट्रेल तो फ्रिज की तरफ जा रहा है। तो फ्रिज खून से भरा हुआ था, लगता है ऐना को मारने के बाद बॉडी ठिकाने लगाने से पहले यहाँ फ्रिज में ही रखा था, इसलिए ऐना की मौत का टाइम हम ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए। सर, काफी देर से नहा रहा है। चलो देखते हैं जरा। ठीक से नहा ली, कहीं खून तो नहीं रह गया? नथालिया शादी करके घर बसाना चाहती थी, खुद का घर लेना चाहती थी। मैंने सोचा अगर लग से पहले अगर मैं उसे ये सारे आयशो आराम दे दूं, शायद वो मेरी हो जाए, इसीलिए घर खरीदा मैंने उसके लिए। इट वॉज अ गिफ्ट। और घर की चाबी एक रशियन डॉल के अंदर डाल के उसके दरवाजे के बाहर छोड़ दी। हाँ, उस रात मैंने उसे अपने घर बुलाया। मत जाओ, डोंट गो प्लीज। क्यों? तालिया, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए खरीदा है मैंने। A gift from me to you. Not really, but why? Natalia, I love you. Will you marry me? Stop saying it, please. You're like my father, Jesse Ho. Oh my God. सचमुच उसे मारना नहीं चाहता था, प्यार करता था मैं उससे, लेकिन लेकिन तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सबसे पहले नतालिया की बॉडी को फ्रिज में डाला ताकि आसपास में किसी को बदबू ना आए। फिर 5 दिन बाद हमारी शूटिंग्स के क्वेश्चन बॉक्स में से नकली दाढ़ी मूछ निकाली और अपना हुलिया बदला। फिर किसी लोकल चोर को पैसे देकर एक गाड़ी खुलवाई और नतालिया की लाश को उसके डिक्की में डाला। सोचा बॉडी शहर से कहीं दूर ले जाकर डंप कर दूंगा
और किसी को पता तक नहीं चलेगा। लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, वहां भीड़ जमा हो गई और मेरा प्लान फेल हो गया। समुरली, प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। वजह चाहे कुछ भी हो, पर गुनाह तो तुमने किया है और उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।